इस समय सोशल मीडिया पर राजस्थान के तीन चर्चित नेताओं की एक साथ आने की तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रविवार को बाड़मेर जिले के रामसर में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बाड़मेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल, बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक साथ नजर आए। इससे पहले तीनों नेता एक ही गाड़ी पर बैठकर कार्यक्रम स्थल तक भी पहुंचे और वहीं साथ में सैकड़ों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उनके काफिले के साथ रहा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद चर्चा का विषय बन गई है। ये चर्चा क्यों हो रही है, आइए आपको ये भी बताते चलते हैं। दरअसल तस्वीर में नजर आ रहे तीनों नेता लोकसभा 2024 में सियासी मैदान में थे। इनमें उम्मेदराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में रहे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई। कई मौकों पर तो दोनों के समर्थकों के आमने सामने होने की घटनाएं भी सामने आईं। चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया, लेकिन अंत में बाजी कांग्रेस नेता उम्मेदराम बेनीवाल ने मारी और सांसद चुने गए। रविंद्र सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं बांसवाड़ा से सांसद बने राजकुमार रौत भी दोनों नेताओं के साथ दिखे। ऐसे में तीनों नेताओं के साथ नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इन तीनों नेताओं के एक साथ वाली तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा कि बहुत ही कम समय में एकता को मजबूत किया, हमें फक्र होता है आप सभी युवा नेताओं पर। एक अन्य यूजर ने लिखा, भाईचारा देखकर बहुत अच्छा लगा, राजनीति में ऐसी तस्वीरें आना जरूरी है। चलिए ये तो हुई सोशल मीडिया की बात, लेकिन क्या इन तीनों नेताओं के एक साथ नजर आने के कुछ सियासी मायने हैं या ये केवल एक संयोग है? गौरतलब है कि ये माना जा रहा है कि ये केवल संयोग था जब तीनों नेता एक साथ नजर आए, क्योंकि जिस कार्यक्रम में तीनों नेता शामिल हुए वो बाड़मेर जिले के रामसर में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम था। ऐसे में आयोजनकर्ताओं ने बाड़मेर के सांसद उम्मेदराम बेनीवाल व स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और आदिवासी समाज से जुड़े राजकुमार रौत को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया था, जिसके बाद वो एक साथ नजर आए। फिलहाल इस तस्वीर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।